शिवपुरी में पश्चिम बंगाल के 21 और छत्तीसगढ़ के 42 मजदूर लॉकडाउन के समय फंसे पड़े हैं। अब इन लोगों को गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। ये लोग अपने घर जाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। निजी स्तर पर भी कलेक्टर व SDM से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। पश्चिम बंगाल से आकर फेरी लगाने वालों का कहना है कि लॉकडाउन के समय ये काम सारे बंद हो चुके हैं। कुल 21 लोग हैं जो 3 जगह ठहरे हुए हैं। जो पास में पैसा था वो भी खत्म हो गया है, इसलिए खाना भी मुश्किल हो रहा है। ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन सर्वर डाउन रहता है। ऑफलाइन आवेदन 15 दिन पहले दे चुके हैं। DM व SDM से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हम लोग तो आवेदन दिया है, लेकिन 2-4 दिन का दिन बताया है, पर ऐसे ऐसे 2-4 दिन तो बहुत सारा हो गया। बहुत साहब लोग भी आता है यहाँ पर ऐसे ही 2-4 दिन बोल के चला जाता है। पर हम कलेक्टर के सामने आवेदन दिया है, पर अभी उसका कुछ जवाब नहीं। 2-4 दिन बोला है, 3 दिन का बोला था, लेकिन 3 दिन निकल गया है। लेकिन और वो एक साहब आया था अधिकारी जी, उसने बोला है कि सोमवार तक देखेंगे बोल के, तो कल के दिन देखते हैं क्या होता है। 42 लोग हैं, लेकिन सब पकड़ के बच्चे उच्चे पकड़ के 46-50 के आसपास लोग हैं यहाँ पर जी। हाँ, हम लोग घर जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है हमको खाने पीने में। कोई खाना पीना देता भी नहीं है। जिसके पास जो पैसा था वो खर्चा हो गया है, और कोई बीमार पड़ गया ऐसे अचानक, तो हमको ही खाली परेशानी। हम घर जाना चाहते हैं, हमारा सुविधा नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार हमको जो ठेकेदार लाया है वो बोलता है अपना अपना देख लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बोलता है। कंपनी वाला भी बोलता है, जो इधर मेन कंपनी वाला है, वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है कि देता है तो महीने में 500-500 देता है एक एक आदमी को, तो 500-500 रुपये कहाँ पूरेगा। एक महीने में 500 रुपये खर्चा नहीं हो रहा है, खर्ची पे वांदा हो रहा है। हम लोग को 6 महीना हो गए आए हुए। किस लिए आए थे? किस लिए आए हैं? लेबर मजदूरी के काम करते हैं जी। पुलिस कॉलोनी बन रहा है यहाँ पर जी। आज कुछ खाने का व्यवस्था नहीं है सर, हम घर जाना चाहते हैं जी। मंजूरी भी दे चुके हैं, उसके जवाब भी नहीं आ रहा है। जवाब नहीं दे रहा है जी, इसलिए हम सभी लोग से कहते हैं कि घर जाएंगे, कहकर तो कोई जवाब नहीं देता सर। हम लोगों को घर जाने दो जी। खाने का व्यवस्था भी नहीं है तो क्या खाएं? हैं 6-6 महीने से ऐसे कमा रहे हैं, तो घर चले जाए। 2 महीना हो गया, 1.5 महीना लॉकडाउन है, कुछ कमाने के लिए पैसा भी नहीं है। ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम लोग जाओ तो जाओ या तो वहीं रहे रहो। उनके पास पैसा तो नहीं है सर, 5-6 दिन हो गए। 500 दिए थे एक महीने में, तो 500 थोड़े चले गए। 4-4 लोग हैं हम लोग एक एक फैमिली में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग इतना मुसीबत में है, कि हम लोग जैसे भी करके हो घर जाना चाहते हैं। ठीक है, घर जाने के लिए हम लोग 15 दिन से कलेक्टर ऑफिस, SDM ऑफिस घुमा है। उन लोग बोल रहे हैं सरकारी हिसाब से जाएंगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 40-50 दिन हो गया है, और कितना दिन वेट करेंगे हम लोग? हम लोग इतना मजबूरी में फंसा है, हम लोग हमारा घर का जो जेवर जवाहरात है वो हम लोग बेच बाच के पैसा भेजेंगे घर वाला। हम लोग खुद का पैसा से जाएंगे। हम लोग गया है SDM ऑफिस, बोला है हम लोग खुद का गाड़ी करके हम लोगों को ऑफलाइन परमिशन दे दो आप लोग, ऑनलाइन में हो नहीं रहा है, सर्वर डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है। हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लोग बोल रहा है आप लोग वेट करो। हम ये भी बोला है हम लोग खाना पीना नहीं है तो क्या करेंगे, बोल रहे जो भी करना है करो, मगर वेट करो, जब बुलाया जाएगा, जब होगा तो बुलाया जाएगा। परमिशन ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। परमिशन हम सिर्फ बोल रहे हैं आप परमिशन दे दो हमको जाने का, कोई परमिशन दे दो। पैसे वैसे हमारा जो अभी तो नहीं है, अभी हमारा घर वाला तो हमारा सुनता है, हम लोग खाना खा के वो जो भी करके मैनेज करके हमको अकाउंट में भेजता है, उसी से हम लोग चल रहा है जी। जब से लॉकडाउन चालू है तब से यहाँ फंसा हूँ, हम फंसा है तब से, घर नहीं जा पा रहे। कोई सरकार से कोई किस लिए आए थे यहाँ पे? इस फेरी करने के लिए, कपड़ा के लिए फेरी करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तब से यहाँ कोई सरकार से तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रही। कितने लोग हैं आप लोग? हम यहाँ 7 आदमी हैं, टोटल 21 आदमी हैं हम लोग। शिवपुरी में 3 जगह में फंसे हैं, यहाँ बस स्टैंड के पास फंसे हैं, हॉस्पिटल के पास फंसे हैं, उधर हॉस्पिटल चौराहे पर फंसे हैं सब लोग। हम यहाँ बुरी तरह से हालत बहुत। प्रशासन ने कोई मदद वगैरह? प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। प्रशासन के पास 15 दिन से चक्कर कट रहे, घर जाने के लिए हम लोग तरप रहे, कोई मदद नहीं मिल रहा। प्रशासन के कलेक्टर के पास, DM के पास जा रहे, कोई कुछ नहीं मदद मिल रहा है। सब इधर उधर घुमा रहे हम लोग को, वो बोल रहे इधर के पास उसके पास जाओ, वो बोल रहे उसके पास जाओ। हम तो यहाँ परदेसी वाला, हमको उतना जान पाए चैन वाले नहीं है। हम लोग को सिर्फ घुमा रहे, हम घर नहीं जा पा रहे। उधर घर पर माँ बाप तड़प रहे, इधर हम लोग तड़प रहे, कैसे जा पाएंगे? कोई कुछ मदद नहीं कर रहे।
हम लोग ऐसे बुरी तरह से यहाँ फंस चुका हूँ। मेरे पास पैसा भी नहीं है, हम गाँव से कैसे जा पाऊंगा। कोई प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहा है। आज 15 दिन से चक्कर काट काट के हम लोग बहुत बोर हो गए हैं यहाँ। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।